दुनिया के सारे डेयरी उत्पादों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है आइसक्रीम, और अगर इसे अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया ने बनाया हो तो क्या कहने। इसे खाते ही चिलचिलाती गर्मी की दोपहर भी ठंडी शाम की तरह महसूस होती है। अमूल आइसक्रीम खाने के लिए किसी मौसम या कारण की जरूरत नहीं, इसे कोई भी कहीं भी कभी भी खा सकता है। क्या आपको पता है कि अमूल 250 तरह के 100% असली आइसक्रीम की फ्लेवर्स बनाता है, और ये सही मायनों में बिल्कुल असली आइसक्रीम है। आज पूरे देश में अमूल के 17 उत्पादन संयंत्र हैं, जहां हर किस्म की आइसक्रीम जैसे स्टिक, कप, टब्स या फिर कोन बनाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं एक रेगुलर 125 ml का वनीला आइसक्रीम कैल्शियम और विटामिन ए जैसे पौष्टिक गुणों से भरपूर है? ओह, मैं ये नहीं जानता था। पर क्या तुम जानती हो कि एक आइसक्रीम कोन खत्म करने के लिए 50 लिक्स की जरूरत पड़ती है? बाजार में उपलब्ध रेगुलर फ्लेवर्स के अलावा अमूल रोस्टेड आमंड्स, शाही अंजीर, पंजाबी कुल्फी जैसे फ्लेवर्स भी बनाता है। अमूल का सबसे लोकप्रिय और उम्दा फ्लेवर है एपिक, जिसका स्वाद उसके नाम की तरह ही शानदार है। इतनी सारी स्वादिष्ट आइसक्रीम्स देखकर मुझसे अपने आप पर काबू नहीं रखा जा रहा है। चलिए देखते हैं कि अमूल अपनी आइसक्रीम्स कैसे बनाते हैं। आइसक्रीम का सफर डेयरी फार्म से शुरू होता है। ये अमूल का एक खास डेयरी फार्म है। यहाँ पर मवेशियों का खान पान और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स की पूरी टीम हाजिर होती है। अमूल में दूध का विशेष ध्यान रखा जाता है। दूध निकालने से लेकर उसे फैक्ट्री तक पहुंचाने के दौरान उसकी स्वच्छता और गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जाता है। दूध को इस फार्म से प्लांट तक की एक लंबी दूरी तय करनी है, लिहाजा इसका ताजेपन बरकरार रखने के लिए इसे खास कोल्ड स्टोरेज टैंक से प्लांट तक ले जाया जाता है। दूध की गुणवत्ता को जांचने के लिए अमूल ने कुछ खास उपकरण इस फार्म में लगाए हैं, जिसका उपयोग एक ऑफिसर फार्म के मालिक के साथ उसकी देखरेख में करता है। ये अफसर एक विशिष्ट मात्रा में दूध के नमूने की जांच करता है। सही गुणवत्ता पाए जाने पर वो उस दूध को कोल्ड स्टोरेज टैंक में भर देता है। प्रतिदिन करीब 2 करोड़ लीटर दूध खास कोल्ड स्टोरेज टैंकर्स के द्वारा अमूल के प्लांट्स में पहुंचाया जाता है। इसे बहुत ही कम तापमान में सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। बिना किसी रोक टोक के दिन में 2 बार कुछ ही घंटों में अमूल की देश भर में फैली फैक्ट्री में दूध का निरंतर वितरण होता है। ये अमूल दूध की गंगा है। दूध को टैंकर्स में से अनलोड करने से पहले उनमें से एक नमूने की जांच की जाती है, ताकि वो अमूल की निर्धारित गुणवत्ता और पौष्टिकता के मापदंड पर पूरा उतरे। गुणवत्ता की संतुष्टि के बाद मिल्क स्टेशन के इंचार्ज द्वारा टैंक्स की सील तोड़कर इसे मिल्क स्टेशन से जोड़ा जाता है। जी हाँ, डेयरी उद्योग में समय का बड़ा महत्व है। उसके बाद इस कच्चे दूध को विशालकाय दूध के स्टोरेज साइलोज में पंप के द्वारा पहुंचाया जाता है। अशुद्धियों को छानने के बाद दूध को ऑटोमेटिक सेपरेटर्स में पहुंचाया जाता है, जहां उसे बहुत तेज गति से घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया में उसमें मौजूद फैट्स क्रीम के रूप में अलग हो जाती हैं। मेरे घर में वॉशिंग मशीन भी इसी सिद्धांत पे काम करती है ना? बिल्कुल सही जवाब। लगता है आपने फिजिक्स मन लगाकर पढ़ी है। इस गाढ़े क्रीम को 10 डिग्री तापमान वाले बफर क्रीम स्टोरेज टैंक्स में रखा जाता है। यहाँ से ये स्वादिष्ट क्रीम आइसक्रीम बनाने की अपनी अगली प्रक्रिया के लिए आगे भेजा जाता है। क्रीम को बफर टैंक से मिक्सिंग टैंक में लेने से पहले पूरी तरह से संतुलित और गर्म किया जाता है, ताकि दूसरे सामग्री के साथ मिलाया जा सके। चीनी और दूसरे स्टेबलाइजर्स को एक महीन सी चलनी से छाना जाता है, ताकि उसे अन्य डेयरी सामग्री के साथ मिलाकर आइसक्रीम मिक्स बनाया जा सके। चीनी आइसक्रीम को मीठा बनाती है और स्टेबलाइजर उसे जल्दी पिघलने से रोकती है। विशाल ब्लेंडर्स इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। सफेद और चॉकलेटी दो तरह के मिश्रण अलग अलग तैयार करके रखे जाते हैं। चॉकलेट मिश्रण में उच्च श्रेणी के कोको पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी प्रकार के जीवाणु वाली अशुद्धि को दूर करने के लिए इस मिश्रण को पास्चराइज किया जाता है।
इस मिश्रण को बहुत ज्यादा प्रेशर से गुजरना पड़ता है, लगभग 2500 से 3000 PSI, जिससे ये मिश्रण एक समान गाढ़ा हो जाता है। ये मिश्रण इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही एक समान घनत्व वाला मलाईदार और स्वादिष्ट आइसक्रीम बनता है। परीक्षण के लिए कुछ नमूने निकालने के बाद इसे 5 डिग्री तापमान में लगभग 4 से 5 घंटों तक परिपक्व बनने के लिए रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया में स्टेबलाइजर्स और इमल्सिफायर्स में मौजूद प्रोटीन्स में से नमी को सोख लिया जाता है, ताकि इस मिश्रण को समान रूप से गाढ़ा करके इसे जमाया जा सके। जब तक आइसक्रीम मिक्स परिपक्व हो रहा है, तब तक इसकी सजावट के लिए एक मशीन ड्राई फ्रूट्स के बारीक टुकड़े करती है। एक मेटल डिटेक्टर बड़ी मुस्तैदी से इनकी जांच करता है। ड्राई फ्रूट्स के टुकड़ों को ट्रे में समान रूप से फैलाया जाता है। आइसक्रीम में बादाम, वाह, यानी सोने पे सुहागा। मुझे ये ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद हैं। काफी बादाम खाए हैं आपने, है ना? खैर, ट्रे को एक ड्राई ओवन में रखा जाता है, जहां इन ड्राई फ्रूट्स को सेका जाता है। सीके हुए ड्राई फ्रूट्स आइसक्रीम के स्वाद में चार चांद लगा देते हैं। कमाल है, इतनी साफ सुथरी प्रोडक्शन लाइन, क्या बात है। जी हाँ, इस जगह को दिन में 2 बार CIP प्रक्रिया से साफ किया जाता है। अब हमारा ये मिश्रण आइसक्रीम के रूप में परिवर्तित होने के लिए पूरी तरह तैयार है। यहाँ से ये मिश्रण कंटिन्यूस फ्रीजिंग सिस्टम में पहुँचाया जाता है, जहाँ पर इसमें मौजूद पानी जम जाता है। हवा को प्रेशर के साथ भरा जाता है, जिससे आइसक्रीम मुलायम हो जाती है। फिर इसे -4 डिग्री तापमान में रखा जाता है, जिससे हम मजे से आइसक्रीम का लुत्फ उठा सकते हैं। खस्ता स्वादिष्ट चोको बिस्किट्स के बीच में आइसक्रीम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। एक फीडर नीचे वाले बिस्किट्स को कन्वेयर बेल्ट पे रख देता है, जिस पर ये बिस्किट्स मानो एक साथ परेड कर रहे हो। कंटिन्यूस फ्रीजिंग सिस्टम से प्रीमियम वनीला फ्लेवर आइसक्रीम को लाया जाता है, जिसे एक स्वचालित यंत्र वायर से उचित मात्रा में काट कर बेल्ट पर रखे बिस्किट के ऊपर रख देता है। चलते हुए बार पे स्वचालित तरीके से इसके ऊपर एक और बिस्किट की सतह रख दी जाती है। ये सब कुछ इतनी सफाई से होता है, मानो हम सच में कोई परेड देख रहे हैं। अब इस सैंडविच की फौज को एक हार्डनिंग टनल से गुजरना पड़ता है, जहां इसका सामना होता है -35 डिग्री तापमान वाली बर्फीली हवा से। इस प्रक्रिया से न सिर्फ आइसक्रीम का टेक्सचर बढ़िया बनता है, बल्कि इसे आने वाले लंबे सफर के दौरान क्वालिटी बनाए रखने में मदद मिलती है। टनल के बाहर आते ही एक रोबोटिक आर्म इन्हें हौले से आगे बढ़ाता है और पैकिंग स्टेशन की तरफ भेजता है। ये सारा नज़ारा इतना जादुई है कि बचपन की याद ताज़ा हो जाती है, जब मेले में हम हाथ में आइसक्रीम पकड़े झूले पे बैठते थे। वाह, बचपन की यादें अमूल आइसक्रीम की तरह ही मीठी हैं, नहीं? आमतौर पे सैंडविच ग्रिल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ चिल किए जाते हैं। पैकिंग मशीन्स में एक तरफ से पैकिंग रैपर्स भरे जाते हैं, जो दूसरी तरफ से आने वाली आइसक्रीम पे सलीके से लिपट जाते हैं। ये मशीन एक दिन में लगभग 252,000 आइसक्रीम सैंडविच को पैक, सील और कट करके तैयार करती है। बाप रे, इतनी सारी आइसक्रीम्स? ये तो कुछ भी नहीं, अमूल में हर दिन अलग अलग स्वाद और पैकिंग की करीब 1 करोड़ से ज्यादा आइसक्रीम तैयार होती हैं। हर बक्से को एक यूनिक आईडी दी जाती है, जिससे जरूरत पड़ने पर उसकी पूरी जानकारी प्राप्त की जा सके। वाह, क्या कमाल का सफर है इन आइसक्रीम के डिब्बों का। काश हमारे हाईवे भी इतने स्मूथ होते। अब इन बक्सों को -25 डिग्री वाले कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, जहां ये अपने डिस्पैच होने की बारी का इंतजार करते हैं। आटे और चीनी से बने कोन के बिस्किट में ट्राइकोन आइसक्रीम को बनते हुए देखना अपने आप में बड़ा अद्भुत अनुभव है। कोन के बेस में पहले चॉकलेट सिरप को नोजल के जरिए स्प्रे किया जाता है, जो ठंडा होने पर खस्ता और क्रीमी बन जाता है और ट्राइकोन को बेहद स्वादिष्ट बनाता है। पिस्ता आइसक्रीम इन कोन्स में भरा जाता है। इसे भरते वक्त नोजल एक कलाकार की भांति इसे एक फूल जैसा आकार देता है।
इसके बाद बारी आती है चॉकलेट की। एक नोजल चॉकलेट सिरप को कोन में स्प्रे करता है और दूसरी तरफ एक और स्वचालित यंत्र बहुत ही उम्दा किस्म के ड्राई फ्रूट्स और फलों के टुकड़ों की आइसक्रीम कोन के ऊपर एक सुंदर सी परत जमा देता है। गोल कागज के ढक्कन में इन स्वादिष्ट तीन परतों वाले आइसक्रीम को सील किया जाता है। ये पैक्ड कोन्स नन्हे शरारती बच्चों की तरह बेल्ट पे उछल उछल कर जाते हैं। एक स्वचालित यंत्रों की फौज इन्हें अनुशासित पद्धति से हार्डनिंग टनल में भेज देती है, जहां इन्हें -35 डिग्री तापमान में रहना है। लगभग 30 मिनट बाद इन्हें बाहर निकाला जाता है। नन्हे शरारती बच्चों की तरह ये आइसक्रीम कोन खुशी से उछल कूद मचाते हुए ऐसे लगते हैं मानो इन्हें किसी मनोरंजन पार्क के पिकनिक में भेजा जा रहा है। जैसा नाम वैसे गुण और स्वाद। जी हाँ, अद्भुत स्वाद और रूप है इस आइसक्रीम का। इसे बनाने में खास बेल्जियम चॉकलेट्स का इस्तेमाल जो किया जाता है। चॉकलेट मिक्स को कंटिन्यूस फ्रीजिंग से इस प्रोडक्शन लाइन पर भेजा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि आइसक्रीम में स्टिक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पता नहीं, आप ही बता दीजिए। स्टिक में घर्षण या फ्रिक्शन अधिक होने से आइसक्रीम इस पर से फिसलती नहीं है। ओहो, आज मुझे कितनी सारी नई जानकारी मिल रही है। और कितनी फुर्ती से पलक झपकते ही स्टिक को आइसक्रीम बार में लगा दिया जाता है, वो भी ऑटोमेटिकली। कमाल है। बिल्कुल सही। फिर इस आइसक्रीम को -35 डिग्री वाले हार्डनिंग टनल से गुजरना पड़ता है। अब ये लकड़ी लगी आइसक्रीम की फौज कदम ताल करते हुए आगे बढ़ती है और इसे बेल्जियन चॉकलेट के सिरप में डुबाया जाता है। सीके हुए बादाम के टुकड़े इस बेल्जियम चॉकलेट के सिरप में मिलाए जाते हैं, जो इसे एक अभूतपूर्व स्वाद और टेक्सचर प्रदान करता है। आइए आपके आइसक्रीम के ज्ञान की परीक्षा लेते हैं। बताइए, दुनिया में सबसे लोकप्रिय आइसक्रीम की टॉपिंग क्या है? बेशक चॉकलेट, ये तो कोई भी बता सकता है। अमूल एपिक के तीनों स्वाद 80 मिलीलीटर की पैकिंग में उपलब्ध हैं और ये हमारे देश की सर्वोत्तम आइसक्रीम में से एक है। स्वचालित यंत्रों वाले कन्वेयर सिस्टम पर इन आइसक्रीम बार्स को आगे बढ़ाया जाता है। पैकिंग मशीन्स में एक तरफ से पैकिंग रैपर्स भरे जाते हैं, जो दूसरी तरफ से आने वाली आइसक्रीम पे सलीके से लिपट जाते हैं। आइए अब देखते हैं अमूल असली आम आइसक्रीम बनाने की प्रक्रिया, जो इसी प्रोडक्शन स्टेशन पर बनाई जाती है। असली हापुस आम से बनी असली आम आइसक्रीम को FMT में फ्लेवर और कलर से मिक्स किया जाता है। मिश्रण को जमा कर और फिर काट कर इसे हार्डनिंग टनल में 30 मिनट के लिए भेजा जाता है। आम को फलों का राजा कहा गया है और अमूल असली आम भी वही श्रेणी में आता है। ये हर उम्र के लोगों की पहली पसंद है। स्वचालित यंत्रों वाले कन्वेयर सिस्टम पर इन आइसक्रीम बार्स को आगे बढ़ाया जाता है। असली आम कहते ही बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। सही कहा, ये हमें बचपन में ले जाता है। स्वचालित मशीन द्वारा इसे पैक करके कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया जाता है। सुविधाजनक कप आइसक्रीम भारत में बड़ा लोकप्रिय है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। खाद्य श्रेणी के प्लास्टिक कप्स को स्वचालित मशीन द्वारा कन्वेयर बेल्ट पे जमाया जाता है, जिसे एक नोजल एक लय में आइसक्रीम को कप्स में डालता है। क्या आप जानते हैं कि आइसक्रीम का उपयोग वजन घटाने के लिए भी किया जाता है? सच में? मतलब आइसक्रीम खाने से वजन नहीं बढ़ता? वाह, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा
कि एक गाय उसके जीवन काल में जितना दूध देती है उससे 33,300 लीटर आइसक्रीम बनाई जा सकती है। अब भरे हुए कप्स एक लीवर और स्वचालित यंत्र के द्वारा धीरे से एक कन्वेयर पर रख दिए जाते हैं। यहाँ से कप्स को बॉक्स में मुस्तैदी से रख दिया जाता है। अमूल पारंपरिक कुल्फी, फ्रॉस्टिक चोकोबार और कैंडीज भी बनाता है, जिसमें मौसमी फलों का रस, पल्प, चीनी, प्राकृतिक रंग और फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मिश्रण को सांचों में डाला जाता है जो एक घुमावदार स्टेनलेस स्टील की मशीन में फिट होते हैं। इन मशीन्स में बाहर से ठंडा करने की प्रक्रिया होती है, जिसमें -35 से 40 डिग्री तापमान होता है, जो इस मिश्रण को जमा देता है। एक फीडर स्टिक्स को लगातार ऑटोमेटिक स्टिक होल्डर में लगाता जाता है। होल्डर इन स्टिक्स को आधे जमे हुए मिश्रण में डालता है। ये पूरी प्रक्रिया एक कलाकृति का आभास देती है। एक सहायक टैंक में उम्दा किस्म के चॉकलेट पाउडर द्वारा एक चॉकलेट घोल तैयार किया जाता है, जिसमें इन बार्स को डुबाया जाता है। अब ये लकड़ी लगी आइसक्रीम की फौज आगे बढ़ती है और इसे चॉकलेट के सिरप में डुबाया जाता है, जो इसे एक अभूतपूर्व स्वाद और टेक्सचर प्रदान करता है। इसके बाद एक होल्डर इन जमी हुई बार्स को कन्वेयर बेल्ट के जरिए पैकिंग स्टेशन की तरफ भेज देता है। ठीक इसी प्रकार से फ्रूट कैंडीज आम और संतरे के असली रस से बनाई जाती हैं। अब ये लकड़ी लगी आइसक्रीम की फौज आगे बढ़ती है और इसके बाद एक होल्डर इन जमी हुई बार्स को कन्वेयर बेल्ट के जरिए पैकिंग स्टेशन की तरफ भेज देता है। अमूल 3 लेयर्स और स्वादों वाली फ्रॉस्टिक भी बनाता है। गाढ़े चॉकलेट सिरप से भरे हुए सांचों में नोजल के जरिए चॉकलेट मिलाया जाता है। ये मिश्रण जैसे ही जम जाता है, इसे एक पुलर की सहायता से बाहर निकाला जाता है। ड्राई फ्रूट और चॉकलेट से भरी हुई टैंक में इस जमी हुई बार को डुबोकर एक आखिरी सतह का लेप चढ़ा दिया जाता है। फिर इसे मशीन द्वारा रंग बिरंगे पैकिंग में लपेटकर इसके सफर के लिए तैयार किया जाता है। आजकल हर घर के फ्रीजर में एक अमूल टब जरूर रखा मिलेगा। ये मशीन प्रतिदिन लगभग 50,000 टब्स बनाती है और ऐसी कई मशीन्स पूरे दिन लगातार काम करती रहती हैं। एक वैक्यूम से चलने वाला यंत्र इन टब्स को खींचकर एक घूमते हुए गोलाकार पटल पे सलीके से जमाता है। एक विशेष विशालकाय टैंक में स्ट्रॉबेरी सिरप भरा हुआ है, जिसे छोटे आकार वाले टैंक्स में लाया जाता है, जहाँ से नोजल द्वारा इन्हें टब्स में भरा जाता है। सफेद वनीला मिश्रण एक कंटीन्यूअस फ्रीजर से ट्यूब्स के जरिए लाया जाता है। वनीला का सफेद रंग और स्ट्रॉबेरी का उज्जवल लाल रंग जब आपस में लच्छेदार ढंग से मिलते हैं तो लगता है जैसे पेंटिंग बना रहे हों। वाह, ये अद्भुत है। बिल्कुल, ये है असली स्ट्रॉबेरी मैजिक संडे। एक खूबसूरत और खुशनुमा एहसास। टब पैकिंग इसलिए भी लोकप्रिय है क्योंकि इन टब्स का इस्तेमाल आइसक्रीम के खत्म होने के बाद भी किया जाता है। अब भरे हुए टब्स एक लीवर और स्वचालित यंत्र के द्वारा धीरे से एक कन्वेयर पर रख दिए जाते हैं और इसके बाद इन्हें अनुशासित पद्धति से हार्डनिंग टनल में भेज देती है। अमूल अपने घर में पार्टी मनाने वाले ग्राहकों के लिए खास फैमिली पैक्स भी बनाता है। बहुत ही उम्दा और स्वच्छ परिस्थिति में इन फैमिली पैक्स को अलग अलग प्रोडक्शन लाइंस में तैयार किया जाता है। लगभग 250 से अधिक स्वादों और प्रकारों में बने ये फैमिली पैक्स शुद्धता की परीक्षा में पास होकर ही जाते हैं। अब ये सभी फैमिली पैक्स खाद्य श्रेणी के कन्वेयर्स के द्वारा हार्डनिंग टनल में ले जाए जाते हैं। यहाँ इन्हें -35 डिग्री तापमान से गुजरना पड़ता है। टेक्नोलॉजी का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल हमें यहाँ देखने को मिलता है। ये कंप्यूटर सिस्टम खुद तय करता है कि किस कार्टन को कहाँ रखा जाना चाहिए।
हार्डनिंग टनल से बाहर आने वाली सभी आइसक्रीम्स को प्लास्टिक की क्रेट्स में भरकर -25 डिग्री तापमान वाले कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। क्रेट्स कोल्ड रूम की ठंडी हवा को उसके अंदर रखे सभी बॉक्स तक पहुंचने में मदद करती हैं। देश भर में फैले सभी 17 प्लांट्स में कई कोल्ड स्टोरेजेस हैं। हर प्लांट में विशेष प्रयोगशाला है जहां हमेशा हर पदार्थ की शुद्धता और गुणवत्ता की लगातार जांच होती है। हर प्रकार की परीक्षा से गुजरकर ही अमूल में आइसक्रीम तैयार होती है। प्रतिदिन पूरे देश में 1 करोड़ से ज्यादा आइसक्रीम के पैकेट्स अमूल के फैक्ट्री से वातानुकूलित वैन्स में भेजे जाते हैं। हर पैकेट का कंप्यूटर के जरिए रिकॉर्ड रखा जाता है। इस पूरी प्रणाली का प्रोडक्शन से लेकर आखिरी परिवहन तक सुचारू और सख्त तरीके से निर्वाह किया जाता है। यहाँ से अमूल आइसक्रीम अपने स्वाद भरे सफर में चल पड़ती है भारत के 1500 से ज्यादा शहरों और कस्बों की तरफ, ताकि हम सब इस जादुई स्वाद का कभी भी कहीं भी लुत्फ उठा सकते हैं।